ऑडिशंस ऑडिशंस ऑडिशंस। बॉलीवुड में अगर एज एन एक्टर एंट्री लेनी है तो ऑडिशंस तो देने पड़ेंगे और ऑडिशन में सिलेक्शन होना भी बहुत जरूरी है। आज के फिल्मी पंडे में मैं आपको 5 चीजें बताऊंगा ऑडिशंस के बारे में, जिससे आपको ऑडिशन को समझना और देना दोनों आसान होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे Joinfilms.com। मैं हूं आप लोगों का अपना वीरेंद्र राठौर। मैंने जिस तरह से ये बात को मिशन के रूप में ले लिया है कि मुझे इंडिया के कोने कोने में जो लोग भी बॉलीवुड में आना चाहते हैं या किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, उनके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूंगा। तो उसी तरह से आज का वीडियो भी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। इसमें मैं ऑडिशन से जुड़ी हुई आपको 5 ऐसी बात बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि यार ऑडिशन के लिए आपको कैसे प्रिपेयर होकर रहना है और क्या क्या प्रिपरेशन करना है। सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज ऑडिशन, ऑडिशन आखिर होता क्या है। इसको अगर मैं बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊं, प्रैक्टिकल वे में समझाऊं, तो आपने सुना होगा इंटरव्यू देने जाते हैं, बस जैसे आप और किसी प्रोफेशन के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, यहां पे एक्टर सिंगर ये लोग ऑडिशन के लिए जाते हैं। मतलब ये कि जो भी परफॉर्मिंग आर्ट है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके लिए ऑडिशन होते हैं। ऑडिशन में वो आपको बुलाते हैं, आपसे वो डायलॉग बुलवाते हैं या गाना गवाते हैं, या फिर डबिंग करनी है तो डबिंग करवा के देखते हैं। मतलब ये नहीं कि आप कितने बड़े एक्टर हैं, सिंगर हैं या फिर आप डबिंग आर्टिस्ट हैं, मतलब ये है कि आप उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं, यही जानना होता है उनको। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट उनको मालूम है, आपको नहीं मालूम है। आपने अपनी प्रिपरेशन की हुई है, अपनी तैयारी की हुई है, तो आपको जाके अपनी तैयारी को इतना स्ट्रांग रखना है, इतना अच्छा रखना है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपसे फुलफिल हो जाए, तभी ये चांस आपको मिलेगा। तो ऑडिशन कुछ भी नहीं है, ऑडिशन जस्ट एक स्क्रीन टेस्ट है, लुक टेस्ट है, और आपकी आवाज का टेस्ट है, आपके डिक्शन का टेस्ट है। मतलब कि पूरे की पूरी जो आपकी पर्सनैलिटी है वो कैसी है, आप कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, डायलॉग कैसे याद करते हैं, ये सबको कैलकुलेट करके वो देखते हैं ऑडिशन में। दूसरा आपका क्वेश्चन होता है या जानना चाहते हैं कि ये ऑडिशन होते कहाँ पे, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ऑडिशन होते हैं, इनके बारे में पता कैसे करें। बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि फिल्म सिटी में ऑडिशन होते हैं और फिल्म सिटी में ही जाके आपको चांस मिल सकता है, बिल्कुल भी नहीं। ऑडिशन अलग अलग स्टूडियोज में होते हैं, प्रोडक्शन हाउस के वो स्टूडियो इन हाउस भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। होता यह है कि एक ऑडिशन रूम होता है, स्टूडियो होता है, छोटा सा रूम होता है जहाँ पे एक कैमरा अवेलेबल होता है, कास्टिंग डायरेक्टर या कि डायरेक्शन टीम से कोई अवेलेबल होता है, वो आपको कैप्चर करते हैं। तो वहां के लिए अलग अलग आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। इसका पता करने का बहुत आसान तरीका है, अगर आपको पता करना है तो सोशल पेजेस बहुत सारे हैं। ज्यादातर कास्टिंग डायरेक्टर करते क्या है कि ऑडिशन के जितने भी पेजेस हैं, ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के भी आजकल ग्रुप्स हो गए, फेसबुक के भी ग्रुप्स हो गए, तो वहां पे अपनी जो कास्टिंग की इन्फॉर्मेशन है वो पोस्ट कर देते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए कि वो ऑडिशन आपके लिए है कि नहीं है, फिर उनको कॉल करिए अगर कॉल करने का लिखा है, नहीं तो उस जगह पे जाके आप ऑडिशन दे सकते हैं। कई बार कमेंट बॉक्स में मुझसे लोग पूछते हैं कि सर बताइए मुंबई में कहाँ ऑडिशन होते हैं। ऐसी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पे ऑडिशन होते हैं, बहुत सारी जगह हैं। अंधेरी वेस्ट में होते हैं, आराम नगर में होते हैं, गोरेगांव में भी होते हैं, टाउन साइड में भी होते हैं, बहुत जगह ऑडिशन होते हैं, अलग अलग जगहों पर होते ही रहते हैं। अगर मैं आपको नंबर्स में बताऊँ तो पर डे नॉर्मली बॉलीवुड का मैं कह सकता हूँ अप्रॉक्स 400 to 500 ऑडिशंस होते हैं, सीरियल, टीवी, वेब सीरीज, फोटोशूट और भी जितने भी डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट हैं उनको लेकर। तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत सारी हैं, आपको पता करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है उनके थ्रू भी आपको ये मिल सकती है इन्फॉर्मेशन। तो तय आपको करना है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, लेकिन ये मैं क्लियर कर दूँ कि कोई एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह हैं, तो आपको सब जगह के बारे में पता करते रहना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है कि हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करें, उसको भी मैं आसान शब्दों में आपको बताता हूँ। आपको करना यह है कि जैसे आप ऑडिशन रूम में जाते हैं तो वहाँ पर जो भी लोग अवेलेबल हैं उनसे पूछ लीजिए स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट को लेने के बाद उनसे पूछ लीजिए सर इसका ब्रीफ बता दीजिए, करेक्टर का ब्रीफ क्या है, डिटेल क्या है, तो वो आपको सारा बता देंगे। उसको बहुत ध्यान से सुनिए, उसमें बीच में उनको रोकिए मत, टोकिए मत कि हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल नहीं। आपसे ज़्यादा वो उस करेक्टर को जानते हैं, उस स्क्रिप्ट को पहचानते हैं, तो उनको बोलने दीजिए। मैंने ये गलती बहुत सारे नए लोगों को करते हुए देखा और इस वजह से ही वो लोग करेक्टर को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं और फेल हो जाते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो प्लीज़ आप लोग ऐसी गलती मत करना, उनसे अच्छे से आराम से सुनिए, समझिए। अगर कुछ समझ में नहीं आता है दोबारा पूछ लीजिए कि सर ये करेक्टर आपने जो बताया वो ऐसा बताया तो मुझे लगता है ये ऐसा ठीक रहेगा,
तो अगर मान लीजिए आपसे कुछ कम्युनिकेशन गैप हो गया तो वो क्लियर कर देंगे आपको, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। कभी भी अपने मन से मत सोचिए, इमेजिन करिए कि ये करेक्टर ऐसा होगा, नहीं तो आप कुछ इमेजिन करके परफॉर्म करेंगे जबकि उनकी रिक्वायरमेंट कुछ और थी, तो भी गलती हो जाएगी। ऐसी गलती आप मत कीजिए। कॉन्फिडेंटली उनसे स्क्रिप्ट लीजिए, अकेले में जाइए, उसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, याद कीजिए 10 बार 20 बार। कोई टाइम लिमिट नहीं होती, आप आधा घंटा भी ले सकते हैं, एक घंटा भी ले सकते हैं, लेकिन जब भी परफॉर्म करने जाएं पूरी तैयारी के साथ जाएं, एक बार में परफॉर्म करें। नंबर 4 है कि हाउ टू गिव ऑडिशन, कैसे दें ऑडिशन। नंबर 3 मैंने आपको बताया था कि आपको तैयारी कैसे करनी है, डायलॉग वगैरह याद करना है, टाइम लेना है पूरा आराम से। अब आप कॉन्फिडेंटली जाइए, जब आपने याद कर लिया स्माइल करते हुए जाइए कैमरे के सामने, और उसके बाद उनसे बोलिए कि मेरे को इंट्रो देना है कि नहीं देना। अगर वो बोलते हैं कि इंट्रो देना है तो इंट्रो दीजिए, प्रोफाइल दीजिए, और उसके बाद अपना परफॉर्मेंस शुरू कीजिए। परफॉर्मेंस के लिए बता दूं कि अगर कहीं पे छोटी मोटी गलती हो जाए, एक शब्द इधर उधर हो जाए, तो अपने रिएक्शन एक्शन से मत बताइए कि गलती हो गई है, आप आगे बढ़ जाइए और परफॉर्म कर दीजिए। होता क्या है, कई लोग गलती क्या करते हैं लोग, जो आप अब मत करना इस वीडियो को देखने के बाद, कि वो अपनी गलती से दिखा देते हैं, अरे मुझसे गलती हो गई, अब मैं फिर से करूं सर, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लूज हो गया, सामने वाले का भी रुक गया। तो उनको मतलब है आपकी परफॉर्मेंस से, एक शब्द इधर उधर हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो बहुत पर्टिकुलर होंगे तो आपसे कह देंगे कि देखिए एक बार आउट टेक दीजिए, इस बार आप डायलॉग को एज इट इज बोलिएगा। तो कोई गलती हो जाए तो आगे बढ़ जाइए, उसको नजरअंदाज कर दीजिए। कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि आपसे मिस्टेक हुई है। नंबर 5 है रिजल्ट, कि ऑडिशन का रिजल्ट कब तक पता चलता है। देखिए रिजल्ट तो तब पता चलता है जब आपका सिलेक्शन हो जाए। सेम जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो जब आपका सिलेक्शन होता है तो ही कंपनी से फोन आता है, ठीक इसी तरह से अगर आपका सिलेक्शन होगा तो ही कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप दोबारा आ जाइए, डिटेल ले लीजिए, समझ लीजिए शूटिंग कब है। अगर फोन नहीं आया इसका मतलब सिलेक्शन नहीं हुआ है। फिर भी नॉर्मली अगर कोई सीरियल है डेली वाला तो उसमें 3, 2, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन में पता चल जाता है। डिपेंड करता है कि उसकी शूटिंग कितने दिन बाद होने वाली है। अगर ये एड फिल्म है तो भी 2, 4, 5 दिन में पता चल जाता है। वेब सीरीज हो सकता है, क्योंकि शुरुआत होनी है अगर किसी करेक्टर की, तो हो सकता है कि वो महीने 15 दिन का भी टाइम ले लें फाइनल सिलेक्शन के लिए। फिल्म के लिए सबसे ज़्यादा समय लग सकता है, मैं ये नहीं कहता किसी के लिए कम या ज़्यादा, लेकिन 3 दिन भी लग सकते हैं और 3 महीने या 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है कि उनका कास्टिंग प्रोसीजर क्या है, वो किस टाइम पे शूट करने वाले हैं और उनको परफेक्ट आर्टिस्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कई बार बहुत सारे लोगों को देखने के बाद वो पहले लॉट में ही जाते हैं कि नहीं यार वो ही ठीक लग रहा था इसमें, तो पूरा समय लेते हैं, क्योंकि एक फिल्म को एक ही बार बनाया जा सकता है। सीरियल में तो क्या फैसिलिटी होती है, अगर आपका करेक्टर बहुत अच्छा एस्टेब्लिश नहीं हुआ, चला नहीं, लोगों को पसंद नहीं आया, तो वो ट्रैक बदल लेते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। लेकिन फिल्म में कास्टिंग एक ही बार होती है, इसलिए वो बहुत ही सीरियसली और उसको पर्टिकुलर होके करते हैं। तो ये 5 पॉइंट थे जिनको अगर आप याद रखेंगे तो ऑडिशन को समझने में और देने में दोनों में आपको आसानी होगी। एक और बात, ऑडिशन ज़्यादा से ज़्यादा दें, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस होती है, आप एज एन एक्टर इंप्रूव होते हैं, लोगों को आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलता है। लेकिन हाँ, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो प्लीज़ एनालाइज कीजिए, सीख लीजिए, थोड़ा सा जान लीजिए, समझ लीजिए, फिर ऑडिशन दीजिए। आधी अधूरी तैयारी के साथ ऑडिशन देंगे तो गिने चुने लोग ही हैं कास्टिंग डायरेक्टर, जैसे ही आप उनके सामने बार बार खराब परफॉर्म करेंगे तो हो सकता है फिर आगे से वो आपको सीरियसली ना लें और आपको फिर काम मिलने में दिक्कत आनी शुरू हो जाए। आप लोग जिस तरह से वीडियो को प्यार दे रहे हैं, जॉइनफिल्म्स चैनल को प्यार दे रहे हैं, प्लीज़ इसी तरह से बना के रखिएगा। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। और हाँ, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये काम आप लोगों का ही है जो आप लोग जॉइनफिल्म्स के लिए कर सकते हैं, यानी कि फिल्म फर्टिनिटी के लिए कर सकते हैं, फिल्म कम्युनिटी के लिए कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसको रोकिएगा मत। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है वाकई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, जिससे कि मेरी हौसला अफजाई होती है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। और हाँ, आज आप ये ज़रूर बताइए कि अभी तक आपने जो ऑडिशंस दिए हैं कभी भी, उनका एक्सपीरियंस क्या है, और अगर आपने ऑडिशन नहीं दिए हैं तो क्या चीज़ है जो आपके लिए चैलेंज है या आपको नर्वस करती है। प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, क्योंकि उसी पे आधारित मैं आपके लिए नए वीडियोस लेकर आ सकता हूँ। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।